Hi, this is Akshay Kumar. Hi, this is Kareena Kapoor Khan. Hi, this is Kiara Advani. Hi, main hoon Diljit Dosanjh. You're watching Bollywood Hangama. It's a great privilege to have the team of Good News with us. Diljit, Kiara, Kareena and Akshay sir, pleasure having you guys on Bollywood Hangama. Thank you very much for having us in Bollywood Hangama. The movie is looking really good and personally I find the songs, they are amazing. Har gana jo hai, jaise aata ja raha hai. It's looking wonderful and Bipra ka bhi jo gana hai. To jo hamare jo scenes weens ke jo clipping aaye wo acche nahi lage. Sir, hum gaane se start karte hain. Achha. Clippings to amazing hai. So, uske liye to main promo launch mein aaya tha aapke saath. Bhai main keh raha hu. I came for that. It's amazing. Bhai aapne to prashn bhi pucha tha. Ji, maine aapse prashn pucha tha. Music ke bare mein sir, aap kya kehna chahenge? Music to main lagta hai Diljit jo ki gayak hain aur actor bhi hain. तो म्यूजिक के बारे में आपको क्या लगता है दिलजीत जी, म्यूजिक कैसा लग रहा है इस फिल्म का? म्यूजिक डायरेक्टर अक्षय सर हैं, क्योंकि डायरेक्टर मतलब मैं हूँ मतलब तो म्यूजिक तनिष्क अंडे दे रहा था सर के साथ. मैं सच बता रहा हूँ, मतलब आने वाले 2021-22 तक का म्यूजिक है. इतना बैंक है अक्षय सर के पास. नहीं, ये तो खैर आई थिंक बिकॉज आई थिंक सर क्यूरेट तो आप ही करते हैं सर. हाँ, मैंने मिनी टी सीरीज खोल रखी है. जैसे सुखबीर आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. हाँ. आपने हांगकांग में साथ में परफॉर्म किया था उनके साथ में भी कुछ 2 साल पहले. हाँ, ने भी फिलहाल आपके साथ में किया. मतलब इतने गाने मैं सुखबीर के तो इतने गाने कर चुका हूँ सुखबीर के. मतलब कई बार होता है सुखबीर जब स्टेज पे गा रहा होता है, मुझे सुखबीर ने खुद बताया था कि एक बच्चा देख रहा है, अरे ये तो अक्षय का गाना, ये क्यों गा रहा है? सुखबीर बोल रहा है, यार अक्षय मेरे थे, मैं पागल हो गया, लोग ऐसा कह रहे हैं तेरा गाना है, कि मैं इतनी बार गा चुका हूँ उसके गाने. बट यस, दिस मूवी हैज स्पेशल म्यूजिक एंड इट इज वेरी नाइस. आई मीन से इट हैज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, पंजाबी फ्लेवर. देन इसके अंदर एक बी प्राक ने जो गाना गाया हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया. और हार्डी सिंधु, बादशाह, सब ने इस फिल्म के अंदर गाना गाया. सो मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म के अंदर दिलजीत तो हमारे घर का ही है. सौदा ये सॉन्ग ना, या तो बट वो तो हमारे घर का आदमी है, तो चाहते हैं कि सारे गाने गाएं इन हाउस. दिलजीत ने तो इनफैक्ट उड़ता पंजाब में भी एक कुड़ी गाया था कमाल को. करीना वाज देयर इन दैट फिल्म एज वेल. एंड चंडीगढ़ में आई पर्सनली लव चंडीगढ़ में. आई थिंक इट्स अ मतलब ये गाना तो सर बहुत बहुत आगे जाने वाला है. दिलजीत तेरा फेवरेट गाना क्या है फिल्म में? और की मैं पड़ोसियों ना गाने नहीं, आपके पास और भी बहुत सारे गाने ना. मैं फिल्म की गल करूंगा. फिल्म में चंडीगढ़ भी बढ़िया लगा मुझे, और तीनों गाने अच्छे लगे भाई जो अभी आए हैं. सौदा करा करा भी अच्छा है. मैं मान जाऊं अगर तू सीधे जवाब दे जाए, एक गाना पूछूंगा ना, एक गाना बता दे यार, एक गाना बता दे, कभी तो टेढ़ा हो जा. नहीं, एक्चुअली तीनों गाने अच्छे, क्योंकि अलग अलग है सारे गाने. मुझे भगवान कसम पता था दिलजीत ने क्या जवाब देना. अच्छा, इसलिए आज तक कभी ना सीधा नहीं बोला कि मैं ये इसको पूछ लो चार चीजों में कौन सी चीज. चारों किसी को हर्ट नहीं करना चाहते ना वो. किसी को नहीं. किसी को नहीं. करीना वो पूछो, वो बताएगी. करीना बताओ. आई थिंक करीना इज लुकिंग अमेजिंग. करीना इज लुकिंग चंडीगढ़ में. या चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ में तेरा. I like Sauda right now because I'm in this wedding mood now. Mm-hmm. Because I'm getting married. No, उसमें करीना नहीं है. Thank you for not being available. वो promotion है, पर film में तो मैं हूँ ना. सौदा खरा खरा. Yeah, yeah, yeah. Actually, that song's only in a promotion. Film में गाने में मैं हूँ. जिस तरीके का एक पूरा chemistry आ रहा है, मेरे ख्याल से इस तरीके की film शायद बनी नहीं होगी. And I think कोई भी जो concept होता है, वो अगर नया होता है, तो वो पब्लिक को उसमें एक अलग किस्म का एक्साइटमेंट होता है देखने के लिए. तो इस तरीके की हमने कोई चीज़ देखी नहीं है. जो स्पर्म स्वैपिंग की बात हुई, वो स्पैम बोलते हैं, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी फिल्म के लिए? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फिल्म मैंने कॉन्सेप्ट पे ही सुनी थी. मैंने तो मुझे तो स्क्रिप्ट भी नहीं पता थी. ये सिर्फ 3 मिनट की नरेशन सुनी थी करण जौहर से. मैंने कहा था ये फिल्म करते हैं. 3 मिनट से ज्यादा नहीं, बकायदा उससे ज्यादा मैंने कुछ सुना नहीं. मैं बोला ये फिल्म करते हैं. एंड व्हाट अबाउट यू करीना, बिकॉज कंसीडरिंग आप इतनी कम आप फिल्में करती हैं, एंड ऐसा क्या था कि आपने आपको लगा कि करीना जौहर बोली करीना जौहर. हाँ, जौहर ये तो घर की है. नहीं, एक्चुअली व्हेन आई हर्ड दिस स्क्रिप्ट, आई वाज द फर्स्ट वन टू बी साइंड ऑन टू द फिल्म, बिकॉज व्हेन आई हर्ड द नरेशन आई वाज लाइक सो मच फन, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड एक्चुअली उड़ता के बाद आल्सो, एंड यू नो आई वांटेड टू डू समथिंग दैट वाज गोना बी फनी, एंड आई न्यू के इफ इट हैड टू बी विद अक्षय. उड़ता वाज अ फनी फिल्म. उड़ता के बाद मैंने एक देन अक्षय कुमार के साथ अगर काम करना हो तो देन इट हैज टू बी इन दिस काइंड ऑफ स्पेस व्हिच इज फन एंड व्हिच इज हिज यूएसपी व्हिच पीपल लव टू सी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस. एंड हैव यू एवर सीन एन एक्टर हु कैन कैरी ऑफ यू नो वाइट इन हिज हेयर सो ब्यूटीफुली? Like he looks so amazing. Well, not in India. Definitely. Not in India, definitely. In Hollywood for sure. George Clooney is there, yeah. Because they don't run away from
their age, and Akshay looks hot and sexy even at any age, yaar. So and he's getting, he's getting killer and killer. Like he's getting better and better. Like, each passing day. I think the world is agreeing to that. Yeah, I'm waiting for Taimur to grow up, and I'll do two hero subject with him. It's just a coincidence. In fact, it's really funny because even in that, there's a scene in this film where I say, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, and in that one I say, कभी this is your baby. And in both, I said it so differently. I was just thinking of it the other day, because in our scene, it's all that, because both the characters are so different. Like Monica's fully this loud, you know, jovial Punjabi girl, and so she's so excited when she says it. So it was fun, I think. But yeah, I mean, I don't know if that pregnancy has anything. Yeah, that definitely can't be the reason. But I hope the year ends with lots of good news. So, हमारे एक क्विज हम लोग करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ में. जैसे आपने क्विज करी थी मीडिया के साथ में प्रोमो लॉन्च में, तो हम लोग भी करना चाहते हैं कितना आप जानते हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ आप लोग दैट बेबीज और उनके सारे ग्रोथ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं. सो वील हैव अ क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू ऑप्शंस एज वेल, और जिसको भी करेक्ट आंसर आता होगा, यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट यू कैन जस्ट गो फॉर इट. ओनली थिंग इज कि प्लीज लेट मी कंप्लीट द ऑप्शंस. कंप्लीट द ऑप्शन. यस सर. ओके एंड सर, हम लोग कुछ एक नया लेकर आए हैं या इट्स समथिंग न्यू? आई थिंक करीबन 55 या काफी होंगे. फर्स्ट सेंस अ बेबी डेवलप्स. आई विल गिव यू ऑप्शंस. हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच. हियरिंग. ही इज राइट. मैं तो पूछ रहा था. He just borrowed this guy. Okay, one all. One all. So Diljit will be opening his account very very shortly, and Kiara is definitely going to be winning it. आप लोग भी बोल दो. Diljit का मुझे पता आंसर क्या है? जी. चारों अच्छे हैं. Diljit तो यही बोलेगा. चारों ही लगता मुझे तो. तो ये सवाल मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए, because it is something that is familiar. How many bones a baby is born with? I'll give you options. 200, 206, 260, 300. 300. Yeah, he said you it. The trailer lord achieved. Yeah, that's 300. Why I said it. 200. Familiar. This speaker chahiye. 200. Speaker nahi hai sir. Kuch alag cheez hai. Acha, kuch aur hai. Kuch alag cheez hai. Okay, Walkman. Kuch mystery hai sir. Aap dekhiyega, aapko acha lagega. Okay. How often is a baby born around the world? I'll give you options. Every minute, every hour, every 30 second, every 3 second. Every 3 second. You got it right. Every 3 seconds, yeah, a baby is born. 3-1. Okay, babies recognize their mother's voice at birth. How long before they recognize their father's? 1 week, 2 weeks, 1 month, never. 1 month. 1 week. Actually, three months fetus, six months fetus, at or shortly after birth. As a three-month fetus, at or shortly after birth, 6 months from birth. 6 months.
How much bigger does the uterus get during pregnancy? I'll give you options. 200 times bigger, 300 times bigger, 400 times bigger, 500 times bigger. You know. 300. No, sir. 400. 500. She got it. 500. 300, 400, 500. Karina. It's heating up between Karina and Akshay, sir. Come on. Can still win it. Yeah, but I think you guys should participate as well. We are null and void, literally. A baby's head accounts for how much of his or her body weight? I'll give you options. 20%, 40%, 50%, 60%. 50%. 40%. Yes, 20%. 40%. 60%. 20%. She got it. She has opened an account. That's wonderful. My 1, 2, 3. 3, 2, 1. Yeah. No, 0, 1, 2, 3. But we're all just saying for Essie. So last question. Best way to soothe a baby is by rocking him or her with a back rub, by breastfeeding him or her, or singing a lullaby. First one. Singing a lullaby. Breastfeed, no? The first one. What is the first one? Singing a lullaby. Back rub. Back. First rub. One. Back. No, first one is by rocking him or her. Rocking. Rocking and back. So, Ilana, what did Ilana. You say? मैं पीठ थपथपाना. आपने भी. Rapid Fire with Akshay Kumar. How would you react to these YouTube comments on Good News trailer? No one comes closer to Akshay's comical time. Maine film dekhi hai, I would say Daljeet has won. He's done a very good job in this film and his comic timing is amazing. Akshay in Hera Pheri, paison ki Hera Pheri. Akshay in Houseful 4, biviyon ki Hera Pheri. Akshay in Good News, sperms ki Hera Pheri. Ye comment is. It's a very good comment. Good observation as well, I think. I think, मेरी फिर अगली फिल्म कौन सी है? हाँ, अगली फिल्म में कौन सी हेरा फेरी? सूर्यवंशी. उसमें कौन सी हेरा फेरी? लक्ष्मी बम में है. क्या? Like. What हेरा फेरी? अब तूने बोली थी बोल. हाँ, but they know that your dress is. Yeah. But that is not हेरा फेरी. That's not हेरा. Okay. आपके fans they repeatedly keep on tweeting me to ask you about हेरा फेरी 3 daily basis पे सर. The हेरा फेरी कोशिश जारी है मतलब. अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है लेकिन ऐसा होगा नहीं भगवान ना करे ऐसा हो. What three things one can do in an airplane? एक तो हमने ही किया है फिल्म के अंदर. कुछ भी अक्षय समस्या. यू कैन स्लीप. यू कैन स्लीप. गो टू द बाथरूम. ईट. वॉच अ मूवी. एक्चुअली व्हाट आई डू इज आई वॉच अ मूवी. आई स्लीप अ लॉट एंड आई लुक एट अदर पैसेंजर्स एंड ट्राई टू गेस व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ. या आई थिंक यू हैव अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. बेडरूम में जाने के लिए किसी हस्बैंड को ऐसे क्यों लगेगा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहा है? फिल्म के अंदर जो है शी इज ओव्यूलेटिंग एंड दैट टाइम इट्स लाइक अ प्रेशर तो इसीलिए ऐसा लगता है जैसे प्रेशर पे आप सर्जिकल स्ट्राइक पे जा रहे हैं. प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. गुड न्यूज बहुत बड़ी हिट होगी क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं. प्लस ये भी कहूँगा गुड न्यूज हिट इसलिए भी होगी क्योंकि मेरे जितने भी कलीग्स हैं यहाँ जी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और दिल से मन लगा के काम किया है और हमने ये फिल्म जो है हंसते खेलते ख़त्म की है. हमने इस फिल्म को मुझे नहीं लगता है एक दिन के अंदर 6 या 5 घंटे से ज़्यादा शूट किए. मतलब शूटिंग शुरू होती थी और मैंने आई थिंक देखा है कि 4-5 घंटे में डायरेक्टर बोलता पैक अप घर जाओ. हमने सोचा था कि इसको 8-10 घंटे लगेंगे ये जल्दी ख़त्म हो गई. इसी कारण की वजह से मुझे लगता है इस फिल्म का चलना शायद अनिवार्य. होप सो एंड प्रे फॉर इट बिकॉज हम चारों को लगा ही नहीं कि हमने एक फिल्म की है. क्योंकि एक फिल्म करना मतलब मेहनत करना होता है. इसमें मेहनत है ही नहीं. इसके अंदर एक आके
थोड़ी मस्ती की, एक दूसरे को हंसी मजाक दो चार चुटकुले उटकुले सुनाए, एक दूसरे से बातें बातें की और करीना के थोड़े टैंट्रम सुने और चले गए। रैपिड फायर विद करीना कपूर आफ्टर दिस एपिक रैपिड फायर अक्षय कुमार। सो करीना, व्हाट इज द स्टूपिडेस्ट मिथ और र्यूमर दैट यू हैव हर्ड अबाउट प्रेगनेंसी? पीपल मस्ट हैव स्केयर्ड यू नो ऑफ सेइंग फ्री एडवाइस पीपल टेंड टू गिव। या पीपल तो ऑलवेज गिव एडवाइस हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट एक्चुअली या हाउ डिफिकल्ट, आई मीन इट्स इजी इफ यू पुट योर माइंड टू इट। इवन दैट डे दे हैव ना समथिंग लाइक पिनिया विनिया खाओ, दे गिव लॉट ऑफ बेसन का लड्डू, पिन्नी गोंद के लड्डू। बट डू यू थिंक इट्स अ मिथ? आई थिंक, बट आई आल्सो हैड अ लिटिल बिट। आई थिंक इट इज अ मस्ट। आई थिंक इट्स अ मस्ट, मतलब तो बिल्ड योर इम्यूनिटी। गोंद के लड्डू तूने खाए? हम पंजाबियों में होता है। तूने खाए? नहीं, प्रेग्नेंट हुई नहीं तभी खा। नहीं नहीं, बिना प्रेग्नेंट भी खा सकते हैं। अरे लेकिन लेकिन प्रीति जी मैं कह रहा हूँ बिना उसके भी खा सकते हैं। यू आर ऑलवेज प्रेग्नेंट। One thing about pregnant women that every husband must know. They can snap any time. Akshay ki comedy ya Akshay ka action your favorite? Tough. It's a tough one. Action comedy. मैट्रिमोनियल एड फॉर कियारा आडवाणी, व्हाट वुड इट बी? वेल, मैट्रिमोनियल एड वुड बी लाइक आई कैन जस्ट से समथिंग रियली स्टूपिड, लाइक टू हैव अ बेबी so that I can eat anything and get pregnant, so I can eat these pindis. No, dying to have. Or you can also have it like a. If they don't marry me, actually, they may only marry me for that. हाँ, बच्चा मेरा करना। Girl available, ready-made बच्चा, बच्चा पहले से। Oh, कहाँ से बच्चा आएगा? Ready to get pregnant, not ready to get married. One thing about Saif Ali Khan that no other actor, Bollywood actor, has. Swag. See, they, everybody's answering for me. Yeah. Yeah, but we are one team. Swag. What makes Akshay Kumar different and special from other actors is his? I think is his dedication and professionalism. My most favorite film of Akshay Kumar is? Aitraaz. No, Khiladi. But you were not there. Aitraaz mein thi tu. But, theek hai na, I love Ajnabi, Khiladi. Ajnabi. That's the idea. Rapid fire with Diljit Dosanjh. Diljit, what makes Kiara Advani a perfect marriage material? Kiara Advani mein aisa kya khasiyat hai ki wo ekdam perfect marriage material hai? Matlab isko ghar le ja ke bolo ki maa isse shaadi karni hai. Kya hai? Aap bolo. Ye rapid fire Kiara hi kar legi. Are nahi, Diljit is very good. Wo thoda Akshay sir ke aise thoda sharma rahe hain sir. Nahi nahi, he is epic in rapid fire. Bolo na. She's very sweet. She's very sweet. हाँ जी, और वो जैसे सब बोल रहे हैं बच्चे के लिए ready है। We are clearly promoting good news here. That's the idea. दिलजीत, आपने आखरी आपने कौन सी आखरी good news सुनी थी? एक जिस दिन trailer आया था good news का। That was the last good news that you heard. थी हाँ, उस दिन सब सबको अच्छा लगा था। करीना कपूर और कियारा आडवाणी के बीच में सबसे ज्यादा फोन पे कौन बिजी रहता है? मैं बोल दो नॉट मी। ये पहले थी, मैं बहुत बहुत दोनों इतने ज्यादा नहीं मुझे लगे। नहीं, ये बहुत सेफ खेल रहे हैं। तू रहती है कौन सबसे ज्यादा बिटवीन कियारा एंड करीना, कौन सबसे ज्यादा रीटेक्स करता था? आई डोंट थिंक दिस फिल्म ही डिड एनी रीटेक्स। नो रीटेक्स, साइन नहीं था उसके। नो रीटेक्स। अच्छा, ओके। वी आर वेरी प्रिपेयर्ड एक्टर्स। तीन ऐसी चीजें जो हर एक्टर को अक्षय कुमार से सीखनी चाहिए, कोई अगर आप बताना चाहें। पंक्चुअलिटी, हां जी। बट यू आर एक्चुअली, आई डोंट थिंक यू आर अ कांट डू अ रैपर। नहीं नहीं, शी विल। पंक्चुअलिटी सबसे ज्यादा और पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और हंसी मजाक अपनी सेहत का ख्याल जो रखते हो। अगर आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस, कियारा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं, ऐसे मैंने इनको कभी डाउन नहीं देखा, ये हमेशा एनर्जी रहती है, एनर्जी अप रहती है। यस। क्या आपका कभी अपने किसी डायरेक्टर के साथ में कोई झगड़ा हुआ है? यस और नो? नहीं झगड़ा। आप अपने फिल्म के रिव्यूज पढ़ते हैं क्रिटिक्स के? नहीं, क्रिटिक्स के रिव्यूज नहीं पढ़ते। आप नहीं पढ़ते हैं? नहीं। सो रैपिड फायर विद कियारा आडवाणी, इफ यू वर टू हैव
twins, really after me having a baby. No, if you were to have twins, yes. What combination would you like? Two girls, or two boys, or one boy, one girl? I just want two healthy children that God will give me. Yeah. And the crown. This is like Miss Universe. Yeah. A girl and a boy, one shot. Boy. Yeah. Why not? If you were to explain one girl, one boy, but IVF process to a 10-year-old, how would you do so? Okay, suppose if okay, I'm 10 so year now old, let them start answering. No, I'm 10 year old, explain me. Mamma, batao na. IVF ka matlab kya hota hai? So, papa or mummy? Oh god, I don't want to be here. First, you have to look at the child and say, mamma, kya hota hai? Bahut good news, na? Haan, fab! See, this is why. Taiyar hai wo, aap unko complete kar dijiye. Beta, aaj main aapko ek bahut hi badhiya film dikhane wali hu, jiska naam hai Good News. Wahan pe आपको पता चलेगा IVF क्या नहीं मुझे नहीं देखनी सो एनीवन वांट्स टू नो अबाउट IVF गुड न्यूज़ 27th दिसंबर करेगा देखो शी इज ट्रेन्ड ट्रेन्ड हाउ टू डू प्रमोशन व्हाट क्वालिटीज ऑफ करीना कपूर खान वुड यू वांट इन योर डॉटर हर कॉन्फिडेंस लाइक हर एक्सप्रेशंस हर ऑरा ऑल हर क्वालिटीज शी इज अ 10 out of 10. Radiant face. Yeah. Yeah. Basically, I will take her egg and his and put it together. Yeah. What were you really into when you were younger, but now think is silly? Something that you really found very cool when you were young, and now you think is silly. Kanche. I never played that. Okay. You town ki hai. Hopscotch. Why will I play hopscotch now? Now that you're thinking of these names. I don't know. Townie. Okay. I still do all these silly things. I don't think they're silly. Poker. I don't know how to play poker. If you can please complete the following sentences. One thing that I'd love to learn from Kareena Kapoor is .. Her switch on, switch off. That is epic. I think everyone talks about it. Everyone talks about it, yeah. Three things that my boyfriend must have are .. You know what came in my head? Good looks. Yeah, even as strangely, I was just thinking that. Say it. In my boyfriend, you always ask me this. Even last time you asked me this, even that time I didn't have an answer. But now, if I had because you did not give in the last interview, that is why we are asking. Yeah, good looks. Great sense of humor. Okay. Yeah. One for this film, I'll tell you great sense of humor. Lakshmi Bomb, I'll come with the second one. And then the third one. Acha, itna, okay. Har film mein equal. One quality. Last, okay. This film is about the humor and stuff. So sensitive, emotional. Now they're coming, sorry. By the end of the rapid fire, I'll give you three. No problem. Yara's had four cups of coffee, I feel. No problem. Have you ever fallen in love at first sight? No. You have not. Bas ho gaya. Paji has ever fallen in love in first sight? Huh? Paji, pehli bari dekh kuri mein dekhte hue ek bari pyar peh gaya tune? Haan, idhar ho janda. Wow. All right, so you I think fallen in love? My love at first sight happened in front of you only, na? Ladakh mein. Bas jo hua wahi hua. Tashan. Okay. Interesting. Okay. All right. Tashan mein. Nubra Valley. Nubra Valley. It's a very tough fight, but I think Kareena has a slight edge because you know she gave her own answers as well in spite of. No, but you can give it for take it for Taimur if you want to. These are good chocolates. He's not allowed. Taimur ke pitaji ko de. Akshay sir. Hum khayenge na. We'll eat in the car. We'll all eat. Thank you. It's for Team Good News. Thank you. Team Good News, yeah. We'll send it to Dharma. Hi, this is Akshay Kumar. Hi, this is Kareena Kapoor Khan. Hi, this is Kiara Advani. Hi, I'm Diljit Dosanjh. You're watching Bollywood Hangama.